नमस्कार किसान भाइयों, अभिमन्यु एग्री बिजनेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर एनपीके 19-19-19 के बारे में। यह किस प्रकार से काम करता है, इसको कैसे प्रयोग करना चाहिए और इसको कौन कौन सी फसलों में प्रयोग करना चाहिए और फसलों की किस अवस्था में प्रयोग करना चाहिए, इन सभी विषयों पर संपूर्ण चर्चा करेंगे। एनपीके 19-19 पूर्णतया जल में घुलनशील फर्टिलाइजर होता है। इसमें पौधों के लिए आवश्यक प्राथमिक पोषक तत्वों नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश की एक संतुलित मात्रा का एक कम्बिनेशन होता है। इसमें यह तीनों पोषक तत्व 19-19% की मात्रा में पाए जाते हैं। यह पौधों के लिए एक स्टार्टर ग्रेड उर्वरक होता है, जो कि पौधों की प्रारंभिक अवस्था में आवश्यक मुख्य पोषक तत्वों नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश की पूर्ति के लिए बहुत ही अच्छा विकल्प होता है। इसमें उपस्थित नाइट्रोजन की मात्रा पौधे की संपूर्ण वानस्पतिक वृद्धि विकास को करता है तथा नाइट्रोजन के द्वारा हमारे पौधे को प्रोटीन तथा विटामिन्स की भी प्राप्ति होती है। नाइट्रोजन के द्वारा ही पौधों में कोशिका विभाजन की क्रिया भी होती है और पौधे में हरापन भी नाइट्रोजन के द्वारा ही होता है। और इसके अलावा इसमें फास्फोरस की भी 19% मात्रा पाई जाती है, जो पौधों में जड़ों के विकास का कार्य करता है। जितना अच्छा जड़ों का विकास होगा, उतना ही अच्छा पौधा अपना संपूर्ण वृद्धि विकास कर पाएगा और उसमें उत्पादन देने की क्षमता बढ़ेगी। और इसके अलावा इसमें पोटाश की भी 19% मात्रा पाई जाती है। पोटाश के द्वारा पौधे के तनों का विकास होता है तथा पौधों में प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और पौधों में रंध्रों के खुलने तथा बंद होने में भी पोटेशियम सहयोगी होता है तथा यह फलों और दानों की गुणवत्ता को बढ़ाता है। एनपीके 19-19 पौधे के संपूर्ण वृद्धि विकास के लिए बहुत ही अच्छा कार्य करता है। इसको सभी तरह की सब्जियों, फलों वाली, अनाजों वाली, दलहन और तिलहन सभी तरह की फसलों में प्रयोग किया जा सकता है। इसको फसलों में दो तरह से प्रयोग किया जा सकता है, पहला स्प्रे के माध्यम से और दूसरा ड्रिप के माध्यम से फसलों को दिया जा सकता है। एनपीके 19-19 को प्रयोग करने की मात्रा, यदि हम इसको स्प्रे के रूप में प्रयोग करते हैं तो 7 से 10 ग्राम प्रति लीटर पानी के आधार पर घोल तैयार करके फसलों के ऊपर स्प्रे किया जाता है। और दूसरा, यदि हम ड्रिप के माध्यम से प्रयोग करते हैं तो यह अलग अलग फसलों की आवश्यकता अनुसार 2 से 4 केजी प्रति एकड़ के आधार पर प्रयोग किया जा सकता है। एनपीके 19-19 लगभग में सभी तरह के इंसेक्टिसाइड और फंगीसाइड और ग्रोथ प्रमोटर के साथ में मिला के प्रयोग किया जा सकता है, जिसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। यदि यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक व शेयर कर दें। धन्यवाद।